Hello students, I am Jagjot Singh and I will discuss physics section of this paper. Don't forget to attend workshop on this Monday students. So I am just starting with the first question students. So you can see there is a R, C and L circuit. If you calculate the equivalent resistance and capacitance, you will be getting R by 2 here and it will be the capacitive circuit will give you some capacitance which is 2C and inductance of the circuit will be L. You can solve them because two resistance are in series, then this is 2R, 2R and all three will be in parallel, so it will give you R by 2 effectively. So again you can calculate effective capacitance which is 2C. Okay, now there will be a EMF. Ek EMF is tarike se yahan connected hai bachcho. अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपको निकालना है पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर निकालने के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस फाई. कॉस फाई जनरली हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, आर डिवाइडेड बाय जेड. बट अगर हमें ये फॉर्मूला ना दे रखा हो, अगर हमें आर और जेड ना पता हो, तो आप इसकी टर्म्स में भी कर सकते हो, वी आर वी सी और वी एल की टर्म्स में भी कर सकते हो. अगर आप टोटल वोल्टेज की बात करो तो वो हो जाएगी वी स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर. आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो आप R बाई जेड की जगह यहाँ वी आर डिवाइडेड बाय वी भी रख सकते हो. अगर आप ये रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी. वी आर स्क्वायर आपका कितना दे रखा है, वी आर आपका है 40, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस वी एल माइनस वी सी हो जाएगा 9 का स्क्वायर विच इज 81. तो V आ जाएगा आपका यहाँ से 41. सो आप यहाँ सब्सिट्यूट करो, वी आर की जगह क्या सब्सिट्यूट करेंगे आप, वी आर की जगह 40 डिवाइडेड बाय 41, तो यहाँ से फाइ की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 40 डिवाइडेड बाय 41. सो ए ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें 10th ब्राइट फ्रिंज 6 डार्क फ्रिंज से ओवरलैप कर रही है, क्योंकि पहले आपने लिक्विड में लिया था और अब आप वैक्यूम में ले रहे हो. तो आपको पता है एन लैम्डा डी बाई डी फॉर्मूला होता है. तो अगर हम पहले हम लिक्विड में लेंगे तो 10th ब्राइट फ्रिंज होगी 10 लैम्डा डिवाइडेड बाय ईटा व्हिच इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. डी स्लिट सेपरेशन होता है और कैपिटल डी स्क्रीन का डिस्टेंस होता है. इज इक्वल्स टू आप डाल सकते हैं यहां 5.5 लैम्डा डी स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां से आप लिख सकते हो एन बाय ईटा इज इक्वल टू 5 11. इसको आप 11 बाय 2 भी लिख सकते हो. यहां से अगर आप ईटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 20 बाय 11 आएगी विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.8. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसमें बच्चे आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस दे रखा है और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रूट 2 एम ई डिवाइडेड बाय क्यू बी. सो यहां से जो एनर्जी की इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. सो इस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, तभी वो ये सर्कुलर पाथ ट्रेस कर पा रहा है. सो हम क्या कर सकते हैं, ये एनर्जी को एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको पता है इंसिडेंट एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क फंक्शन प्लस दिस काइनेटिक एनर्जी. सो बच्चे आप लोगों के केस में आपको इंसिडेंट एनर्जी निकालने के लिए लैम्डा दिया हुआ है, तो इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा. सो आप वर्क फंक्शन इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी इंसिडेंट एनर्जी माइनस ई. ई आप यहां से कैलकुलेट करेंगे. सो अगर आप केयरफुली ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. अगेन क्वेश्चन नंबर फोर्थ. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पता है स्टेडी स्टेट जब अचीव हो जाता है तो कैपेसिटर पे कोई करंट नहीं फ्लो करता. इसका मतलब हम कैपेसिटर को यहां से हटा सकते हैं. तो हम सर्किट को अगर रीड्रॉ कर लें, यहां सर्किट को अगर आप रीड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं. तो सर्किट इस तरीके से बन जाएगा, ए और ऊपर एक रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे. तो देखा जाए ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दिस विल बी 2R और अगेन एक रेजिस्टेंस है यहाँ कितना R और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दिस रेजिस्टेंस इज अगेन R और बैटरी हमारी कनेक्टेड है 15 वोल्ट. ठीक है, बैटरी कितनी कनेक्टेड है, 15 वोल्ट. बेसिकली कैपेसिटर के आप अक्रॉस रेजिस्टेंस वही होगा जो B और D के अक्रॉस होगा. तो D और B के अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस जो भी वोल्टेज होगी वही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी. ठीक है, हमें यही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सो बच्चे आप सबसे पहले यहाँ टोटल करंट अगर आप निकाल लें, दिस आर एंड दिस आर, मैंने टुगेदर इसको 2R ऑलरेडी लिख ही दिया है. तो अगर आप टोटल करंट निकालना चाहते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 3R विच इज 2R डिवाइडेड बाई 3. और इसको आप R से ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R बाई 3 प्लस R, सो ये आ जाएगा 5R बाई 3.
और आप उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल करंट निकालेंगे, टोटल करंट हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5R/3, तो ये आ जाएगा आपका 9R। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। अगर आप करंट डालेंगे 9R तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी 9 वोल्ट। सो अगर ये 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 0 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 9 वोल्ट है, तो आप सीधी सी बात समझ सकते हैं, यहां अगर 9 वोल्ट है तो ऊपर यहां अगर 15 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे, ये जो कॉमन टर्मिनल है बी पॉइंट पे, यहाँ 12 वोल्ट होना चाहिए, तभी इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम वोल्टेज जाएगी। सो देखा जाए यहाँ 12 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 माइक्रोकूलम चार्जेस ईच प्लेस्ड एट दिस एंड दिस लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है। तो बच्चे आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। तो आप पहले ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आर निकालने के लिए आपको इन दोनों के बीच का सेपरेशन देखना पड़ेगा, और वो सेपरेशन होगा 9 यूनिट्स, ठीक है। बट अब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, तो इसका इफेक्ट भी आएगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे। इस फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा 3 × 10⁴ डिवाइडेड बाय आर। ये कैसे निकाला मैंने, ये इस तरीके से निकाला, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे तो ये अपना आप आ जाएगा। इसके बाद आपको पता है इनकी वजह से अगर हमें पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल की वजह से अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हो जाएगा Q1 × V1 + Q2 × V2। और V1 का मतलब क्या हो जाएगा, के V1 का मतलब हो जाएगा 3 × 10⁴ डिवाइडेड बाय जो भी इसका कोऑर्डिनेट है, R1 × Q1। इसी तरीके से आप V2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। तीनों टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कुछ। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 20 cos kz − 4 × 10⁸t। तो आपको पता है ये ओमेगा है, ओमेगा कितना दे रखा है 10⁸। आपको ये जनरल इक्वेशन पता है, kz माइनस ओमेगा t होती है, तो आपने यहां से ओमेगा निकाल लिया। ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है kv, और v का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारा 2 × 10⁸ आ जाएगा। तो अगर आप k निकालना चाहते हैं तो ओमेगा को v से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या करा है, इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स को बांधा है, और अगर हमारा सिस्टम ग्रेविटी फ्री जोन में, क्योंकि उसने बोला है कि हमारा सैटेलाइट में, इसका मतलब कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, तो ये मैक्सिमम दूरी पे जाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे, तो इनके बीच में जो सेपरेशन हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और देखा जाए ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0Q² / 12² तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, हमें ईएमएफ का फॉर्मूला पता है कितना होता है, −dΦ/dt, और हमें पता है करंट क्या होता है, ई डिवाइडेड बाय आर। तो हमें यही करना है, अगर हम dΦ/dt पहले कैलकुलेट कर लें, तो यहां से आ जाएगा 30t² − 4t + 10, और इसके बाद टी को यहां सब्सिट्यूट कर दें, टी की वैल्यू यहां सब्सिट्यूट कर दें, और उसके बाद हम इस इक्वेशन को यूज कर लें। इन तीनों चीजों को जब आप यूज करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 67 हो। समझ में आ गया? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल रॉड दे रखी है जिसका मास है 10 ग्राम। तो सपोज इस तरीके से आपने एक रॉड कंसीडर की है, इसका एंगल यहाँ थीटा, और यहाँ रॉड इस तरीके से इन अ प्लेन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पड़ी है, जैसा कि उसने फिगर में दिया भी है, क्वेश्चन में दिया भी है। मैग्नेटिक फील्ड हमें क्वेश्चन में दे रखी है इस तरीके से, तो अगर हम क्या मान ले, मैग्नेटिक फील्ड मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और करंट मेरा इनटू द पेज है, करंट मेरा इनटू द पेज है, तो एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो फोर्स लगेगा BIL। ये फोर्स कितना लगेगा, BIL। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे लगेगा MG, और इसका यहां जो कॉम्पोनेंट होगा वो होगा MG sin θ, और यहां क्या लगेगा, BIL, सिंस ये एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा BIL, ये एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा BIL cos θ। तो देखा जाए BIL cos θ, और थीटा हमें क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है, तो BIL cos 60 डिग्री किसको बैलेंस कर लेगा, MG sin 60 डिग्री को। बच्चे यहां कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि हमें 1.73 दे रखा है करंट, और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो √3 उससे कट जाएगा। तो अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो यहां से आप बी की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर. तो आपको पता है मीन पोजीशन से अगर मैं एक्स बाय थ्री डिस्टेंस पे जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ. मीन पोजीशन से अगर एक्स बाय थ्री ए बाय थ्री पोजीशन पे जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के स्क्वायर बाय नाइन, विच इज दी वन नाइन्थ फ्रॉम दी विच इज दी वन नाइन्थ ऑफ दी टोटल एनर्जी. तो इसका तो सिंपल सा आंसर है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, छोटा सा एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, बहुत इजीली हो जाएगा. अगर हम ध्यान से देखें, वाटर यहां धीरे 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 लीक आउट कर रहा है और किस वेलोसिटी से कर रहा है? वीई से लीक आउट कर रहा है. सो ऑब्वियसली यहां एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करेगा. यहां टेंशन ऊपर टी मान लेते हैं और नीचे फोर्स कितना मान लेते हैं? एमजी. और आपको पता है एमजी माइनस टी इट विल बी, इसका मास कितना है? एम इंटू डीवी बाई डी टी, जो भी इसकी वेलोसिटी होगी पर यूनिट टाइम. सिमिलरली अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहां इक्वेशन बनेगी टी. अब नीचे जब ये वाटर लीक कर रहा है तो आपको पता है एक फोर्स का फॉर्मूला होता है डीपी बाई डी टी. तो आप यहां से लिख सकते हैं वीई डीएम बाई डी टी, और डीएम बाई डी टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है म्यू. तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं? आपको एक बात और समझ में आ रही है, एक फोर्स जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा एक फोर्स ऊपर की तरफ भी देगा, वो कितना देगा? म्यू इंटू ई. तो ये फोर्स ऊपर की तरफ हो गया और नीचे क्या फोर्स होगा इस पे? mg. और m कितना होगा? अगर किसी टाइम पे मैं इसका मास देखूं तो किसी टाइम पे इसका मास m डैश होगा, जो होगा m माइनस म्यू टी. तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, माइनस m माइनस म्यू टी इंटू जी इज इक्वल्स टू, इसका मास किसी टाइम पे हमें पता है यही है, m माइनस म्यू टी इंटू इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा dv बाई डी टी. ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके dv बाई डी टी की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. यहीं से एक्सेलरेशन आ जाएगा. और ऑप्शन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है? एक विंड ब्लो कर रही है और एक हाउस के बाहर हम देख सकते हैं इसका एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है. अंदर प्रेशर कुछ पी वन होगा, बाहर प्रेशर कुछ पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर होगा. सो ये अगर हम ध्यान से देखें, प्रेशर डिफरेंस पी टू माइनस पी वन होगा, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पी वन माइनस पी टू या पी टू माइनस पी वन. हम जस्ट इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, वो होगा हाफ रो वी स्क्वायर. सो ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है इसको हम अगर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है. आप वेलोसिटी को पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना ना भूलें. ओके सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. सिमिलरली इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें, एक बार स्लोप यहां जीरो है, एक बार स्लोप यहां जीरो, एक बार स्लोप यहां जीरो है. तो जहां भी स्लोप जीरो होगा वहां फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो अगर आप देख सकते हैं E3 पे लेफ्ट और राइट साइड अगर आप देख सकते हैं एनर्जी कम है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. अगर आप E1 की बात करें तो कर्व थोड़ा सा फ्लैट है, और फ्लैट कर्व का मतलब होता है यहाँ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड तो दे नहीं रखी, पर राइट साइड अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सेम एनर्जी है ऑलमोस्ट, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो बच्चे हमें ओरिजिन यहां दे रखा है. अगर हमें ओरिजिन यहां दे रखा है, हम इतने सिस्टम का मास m, इसका भी m और इसका भी m, और सभी का सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लेते हैं. पहले वाले का सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? माइनस ए बाय फोर कोमा माइनस ए बाय फोर. दूसरे वाले के इसमें हमारा ए बाय फोर और माइनस ए बाय फोर. तीसरे वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना आएगा हमारा? यहां आ जाएगा मेरा माइनस ए बाय फोर और ए बाय फोर. अगर हम वही फॉर्मूला यूज कर लें जो हम एक्ससीएम और वाईसीएम का यूज करते हैं, जो एक्ससीएम आएगा वही वाईसीएम आएगा, तो आप एक भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज 3m. और सारे मासेस सेम है, एम एम और एम. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा ऑप्शन ए. ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होने ही वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 15 अगर मैं आपसे एक बार डिस्कस करूं तो हमें यहां दे रखा है नियन और आर्गन, दो गैसेस दे रखी हैं. हमें कंबाइंड मास 28 दिया है. तो अगर आप नियन का मास कितना एज्यूम कर लेते हैं m, और आर्गन का कितना मास हो जाएगा यहां से 28 माइनस m. अब आप यहां क्या कर सकते हैं, टोटल मोल्स की अगर हम बात करें, टोटल मोल्स हो जाएंगे नियन के मोल्स और आर्गन के. तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ नियन प्लस 28 बाय m डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ आर्गन. ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है, 20 और 40. ओके सो आप क्या करेंगे, इसके बाद एक इक्वेशन तो यहां से बन गई, एक इक्वेशन हमारी बन सकती है, टोटल मोल्स होगा टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर इनटू टी. सो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को अगर यूज कर लेंगे तो हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में सब्सिट्यूट करके स्मॉल एम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे. सो अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो हम निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए, हम आर्गन का मास आराम से निकाल सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Okay, students, so let's move to the next section of the paper, students. Hello, everyone. Welcome to GoPrep channel.
Now we are going to discuss class 12th NEET slot 4 chemistry paper. इससे पहले हम आगे बढ़ें, आई होप आप सभी का केमिस्ट्री का ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और जिन लोगों ने ये पेपर अटेंड नहीं किया है वो प्लीज अगले स्लॉट में पेपर को जरूर दे, और जो मंडे को हमारा वर्कशॉप है उसे जरूर अटेंड करें। चलिए तो फिर अपना हम पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। टू सबस्टांस ए एंड बी, दोनों का फर्स्ट हाफ लाइफ दिया हुआ है, ओके, आर टेकन इन सच ए वे दैट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 4 टाइम्स बी। ओके, सपोज ए और बी है, इसका कंसेंट्रेशन हम बी मान लेते हैं, तो इसका 4B है, बस ये हमें पता रहना, ठीक है। द टाइम आफ्टर विच बोथ द कंसेंट्रेशन बिकम इक्वल, सो ये हो गया इसका सी नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन, और आफ्टर टाइम टी इसका कंसेंट्रेशन एक्स, इसका भी एक्स, क्योंकि दोनों सेम हो जाना है, ठीक है। आफ्टर टाइम व्हाट विच विच विथ बोथ द कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल, कितने समय के बाद दोनों का इक्वल हो जाएगा, तो टाइम भी इक्वल है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ दिया हुआ है ना, तो आपको पता है टी इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 बाई के, तो पहले का क्या हो जाएगा 0.693 बाई 5 इंटू लॉग ए के लिए 4B बाई एक्स, कितने टाइम के बाद कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, तो दोनों का हाफ लाइफ टाइम भी इक्वल ही मांगना है, ठीक है, फाइनल कंसेंट्रेशन भी इक्वल, तो 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 बाई 15 लॉग दिस इज बी बाई एक्स, ओके। तो ये 5 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लॉग 4B बाई एक्स इक्वल टू लॉग बी बाई एक्स टू द पावर क्यूब, 3 आगे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, यहां से आप सोल्व करोगे बच्चों तो x की वैल्यू आपको b बाई 2 आ जाएगी, आप सोल्व करके देखना, बहुत ईजी है, 4b बाई एक्स इक्वल टू बी क्यू बाई एक्स स्क्वायर क्यू, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत ईजी वे में b बाई 2 आंसर आ रहा है। तो देखिए, तो b के बारे में बात करते हैं, इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या था, b बाई 2 कितने टाइम्स में होगा, ये x की वैल्यू आ गई 15 मिनट में, कोई इशू। अगर a के बाद बात करें तो इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 4b, फर्स्ट हाफ लाइफ क्या बनेगा 2b, सेकेंड हाफ लाइफ क्या बन जाएगा b, थर्ड हाफ लाइफ क्या बन जाएगा b बाई 2, तो इसका है 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो दोनों 15 मिनट में क्या हो जाएगा, ये इक्वल कंसेंट्रेशन पे पहुंच जाएगा, ये कंडीशन है, तो और एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं थी, यूनिट से आप पता कर सकते थे, फर्स्ट ऑर्डर था, सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी काइरल सेंटर्स आर इन द फॉलोइंग सबस्टांस कंपाउंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे काउंट करके देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको, सो 1 2 3 4 5 6, सो 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन नहीं होगा, ओके, आई थिंक ये बहुत इजी है, मैं आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन सा होगा, एक बार जरूर काउंट कीजिएगा, एग्जाम से सीखने के लिए होता है कि मेरी गलती कहां हो रही है, ओके, सो सी आगे बढ़ते हैं। ए लिक्विड ए इज ट्रीटेड विद Na2CO3 सॉल्यूशन, ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट बी एंड सी आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन, ओके, the mixture on acidification with sulfuric acid and distillation produces liquid A again, तो क्या होगा, सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन अपने आप में टफ है, मतलब लोगों को लग सकता है, बट एक चीज ऑप्शन देकर यहाँ पे गलती कर गया है, उसने क्या बोला है, ए लिक्विड इज ए, आपको पता है ये गैस फॉर्म है, ये गैस फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, तो आंसर जनरली इसीलिए क्या होगा, कई लोग जो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग होंगे वो यहीं से कैच कर लिए होंगे कि एज ए नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड तो वही होता है, बट ठीक है, इट्स ओके, रिएक्ट, आंसर तो बी ही होगा, बट इसका रिएक्शन क्या है देख लीजिए, Br2 पहले जब रिएक्शन करेगा तो आपके ये दो सॉल्ट बनेंगे, और बाद में जब एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो वापस से आपका Br2 बन जाएगा, तो आई थिंक इट्स नॉट, आपको ये रिएक्शन भी पर समझ जाना चाहिए, ठीक है, बाकी आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सो राइट आंसर इज B फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, बच्चों सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, आप आई होप इसमें किसी बच्चे ने गलती नहीं की होगी, किसी बच्चे ने गलती नहीं की होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसमें मैं आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसका आंसर है ग्लाइसिन, सिंपली यहां पर आप यहां पर क्या रख देंगे, सिंपली इसको फॉर्मूला वाइज अगर लिखे तो क्या हो जाएगा C2H4
क्या हो जाएगा बच्चों, C2H5, सॉरी 2 2 4 और एक 5 C2, क्योंकि इसकी जगह जैसे ही आप एच रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है C5 और NO2। आई होप यही फॉर्मूला सबका बन रहा होगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, दिस इज ग्लाइसिन, दिस इज ग्लाइसिन। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, रोस्टेड गोल्ड आर, ये IIT पिछले कई 10 सालों में 2 से 3 बार पूछ चुका है, मेडिकल में भी बहुत बार आ चुका है, ये IIT का ही क्वेश्चन है एक्चुअली, X और Y क्या होगा। तो बच्चों ये बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो पहले बनता है हमारा ये कंपाउंड और जिंक से रिडक्शन, जिंक फिर उसको रिप्लेस कर देता है, तो ये बनता है, ठीक है, ये इसका रिएक्शन है। INCRT का लीचिंग प्रोसेस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। IIT ने एक बार यहाँ पे X रख दिया था, यहाँ Y रख दिया था, और मैग्नीट्यूड ऑफ X एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Y पूछा था। IIT इसको हर एंगल से पूछ चुका है और मेडिकल में भी आता है, ये याद रखिएगा, O2 होना जरूरी है। ओके, सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द ईस्टर सोन आफ्टर रिडक्शन विथ LiAlH4 एंड एक्वस वर्कअप, अच्छा, विल इल टू मॉलिक्यूल ऑफ ओनली ए सिंगल मॉलिक्यूल, कुछ सिंगल अल्कोहल, कुछ ऐसा बोल रहा है। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है रिड्यूस कर देगा ईस्टर को, अगर ऐसा ईस्टर होता तो क्या बना देता, RCH2OH, और एक क्या बनाता, R-OH। तो सिंगल अल्कोहल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसको तो कुछ सिमेट्रिसिटी मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, सी, देखिए यहां पर अगर आपने ऐसा ईस्टर लिया तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए यहां से भी क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH, और इससे भी क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH। तो दोनों साइड से एक यही कंडीशन है जहां पे आप इस तरह से बना सकते हैं। तो राइट आंसर है सी। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बताया RCOR- को जब रिड्यूस करेगा तो क्या बनाता है बच्चों, ये RCH2OH बनाता है और प्लस R-OH बनाता है। तो इस लॉजिक को इस्तेमाल करके सिर्फ इसी मॉलिक्यूल में दोनों एक अल्कोहल को बनाएगा। 7 नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स वुड हैव द सेम वांट ऑफ फैक्टर एज द पोटेशियम फेरिसाइनाइड, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं बनेगा कि आपको पोटेशियम फेरिसाइनाइड का फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो राइट आंसर है डी, आई होप आपने बनाया होगा। पोटेशियम फेरिसाइनाइड का फॉर्मूला होता है ये, आपको पता है ये 3 पोटेशियम देगा और 1 कॉम्प्लेक्स आयन देगा, टोटल 4 होंगे इसके आयन। तो इस केस एल्युमिनियम नाइट्राइड के केस में क्या हो जाएगा, 1 एल्युमिनियम 3+ मिलेगा और 3 नाइट्रेट आयन मिलेंगे, तो वांट ऑफ फैक्टर यहां भी सेम होगा। सो राइट आंसर इज डी, यहां पे 2 होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे 5 होगा, तो सिर्फ आंसर डी पॉसिबल है। नेक्स्ट, कॉलम ए डिस्क्राइब नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड कॉलम बी सॉलिड हैव टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अच्छा सवाल है, बहुत इजी वे में आप इसको कर सकते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं मेटालिक की बात करूं तो यार मेटालिक कहां होगा, मेटल में होगा, तो 3 में अगर मैं जाऊं तो पी होना चाहिए, ठीक है, तो 3 में पी और कहीं नहीं है, ऐसे ही फेल हो गया सारा, ठीक है। तो एक ऑप्शन बनाने का भी बहुत बहुत दिमाग होता है, ठीक है। 1 का क्यू जरा देखिए, तो वंडरवाल, जहां कुछ नहीं तो वंडरवाल लगेगा, बिल्कुल सही जा रहा है। 2 का एस, आयनिक किस में होगा, ये दोनों आयनिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 का एस भी यहां से भी आप पहचान सकते थे और किसी में नहीं है, ठीक है, कोवेलेंट अपने आप कहां बन गया, SI में। बहुत इजी क्वेश्चन है, सो राइट आंसर इज डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में कई बच्चे गलत करते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम, इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, दैट इज लेवल 104% H2SO4। तो ओलियम कुछ ऐसे भी आप लिखा सकते हैं SO3। होता क्या है, जो फ्री SO3 होता है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या बनाया, ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, तो H2 जब आप खरीदेंगे ओलियम तो उस पे 118% कुछ ऐसा लिखा रहेगा। उसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहां पर 100 के ऊपर कितना है, 4.5, तो इसका क्या मतलब है गौर से देखिएगा। सी इसका आंसर मैं करवाता हूं बहुत इजी तरीके से। SO3 जब वाटर से कन्वर्ट होगा तो H2SO4 बनाएगा, तो इसका मोलर मास है 80 ग्राम, इसका 18 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, एक फॉर्मूला बस बेसिक याद रखना कि 4.5% जो एक्स्ट्रा है ना वो वाई है, एक्चुअली सॉरी वाई जो है वो क्या है, 104.5 है, इसमें 100 माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा, 4.5। तो मतलब 4.5
पांच ग्राम अगर H2O पास करोगे तो जितना SO3 फ्री है वो सब H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है। किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए छोड़िए, आप एक चीज याद रखना, परसेंटेज फ्री SO3 एनोलियम जब भी इस तरह का सवाल आए और उसका ये मेथड दिया रहे, आप इन चीजों को परेशान मत होइए। तो देखिए इसको निकाल लीजिए, अरे 18 ग्राम वाटर कंबाइन होता है 80 ग्राम SO3 से, तो एक किससे कंबाइन करेगा, 80/18 से, तो y माइनस 100 कितने से कंबाइन करेगा, 80/18 इंटू वाई माइनस 100, यही परसेंटेज फ्री का फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 80/18 इंटू 4.5, ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा 20%, आप बनाकर देख लो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 20%। मैं भी आपके सामने कर लेता हूं, हमारे पास समय है अभी, तो 80/18 इंटू 4.5 20, राइट आंसर आ रहा है 20%। समझ में आया बच्चों, तो जो 100% के ऊपर है, मतलब इतना ग्राम वाटर डालने से जो भी फ्री SO3 है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको ये फॉर्मूला आज के बाद याद रखिएगा, एंड वाई क्या है जो परसेंटेज ओलियम का दिया जाता है। ओके सो नेक्स्ट, सपोज ए पार्टिकल हैज 4 क्वांटम नंबर सच दैट द परमिटेड वैल्यू ऑफ डोज आर एज गिवन बिलो, एन इक्वल टू 1, 2, 3, एल इक्वल टू एन, रूल तोड़ दिया गया है बच्चों ध्यान से सुनना, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 5, और बट नो नेगेटिव नंबर, ओके, और जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू ये होगी एल प्लस 1/2 और एल माइनस 1/2, फॉर दिस फॉर द लेटर इज नॉट नेगेटिव, ओके, ये तभी होगा जब नेगेटिव नहीं होगा। तो अब देखिए, और जो एम होगा एक और क्वांटम नंबर क्या होगा, यहां पे चार हाइपोथेटिकल क्वांटम नंबर इसने बना दिया माइनस जे टू जे, तो अब देखते हैं किसके लिए बोला है कि एन इक्वल टू 2 के लिए कौन फिट हो रहा है। तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर बी है, देखिए अगर एल एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू ये पहले क्या आएगी 1, यहां आ जाएगा माइनस 1 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एल की वैल्यू एक ही सेटिस्फाई करेगी 1, ओके नए रूल के थ्रू। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए बच्चों एल प्लस 1/2 और माइनस 1/2 और बोला उसने, कंटिन्यूअस नहीं बोला है, ये भी तब होगा जब माइनस ना आए, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/2 और ये क्या बन जाएगा 1/2, दो ये वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब यहां आइए एम की वैल्यू क्या होगी, माइनस जे टू प्लस जे, माइनस जे टू प्लस जे, तो इसको बनाइए क्या हो जाएगा, तो माइनस 2 हमारे पास है तो माइनस 1/2 इसको करेंगे, इसमें फिर 1 हमने ऐड किया तो हमारा ये आ जाएगा, फिर 1 ऐड किया तो प्लस 1/2 आ जाएगा, फिर 1 ऐड किया तो हमारा ये आ जाएगा, तो 1 से यहां तक हो गया। दूसरे को देखिए माइनस 1/2 और 1 आप ऐड कीजिएगा तो प्लस 1/2, तो टोटल कितने वैल्यू आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे 6 आ गए, ठीक है। अब तो इसीलिए इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिट किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं, पहले हाउ मेनी पार्ट्स, जैसे n इक्वल टू 1 जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉजिक होता है, तो l की वैल्यू क्या होती है 0, m की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, कितना होता है सॉरी 0, तो एक और वाइटल हो गया, और इसमें बॉक्स कितने हो गए 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहां के हिसाब से जिसने 4 क्वांटम बोला उसके हिसाब से यही 6 मैक्सिमम यहां पर फिट होगा। आई होप इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसको बना के देखिएगा, यहां पे 4 क्वांटम नंबर है और एस नहीं है, यहां पे बस यही है, ठीक है, इन्होंने हाइपोथेटिकल एक बनाया है और उस सेट से यही चीज आपकी पॉसिबली बन रही है। आई होप किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, द सिंथेसिस ऑफ, बच्चों ये थोड़ा सा ऑप्शन में गलत हो गया है, मैं आपको मैंने ये जो आंसर पेस्ट किया है वो गलत जगह पेस्ट हो गया एक्चुअली, ठीक है। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ही था ना, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उसे हटाना भूल गया था। द सिंथेसिस ऑफ एमाइन बाई गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कैन नॉट यील्ड, आपको पता है ये जो आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स है वो नहीं बनेगा, और बाकी ये प्राइमरी अमीन से सिर्फ बनाता है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बस नहीं बना पाता है, तो ये तो टर्सरी है, ये तो बनेगा नहीं और एरोमेटिक भी नहीं बनेगा, क्योंकि क्या होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये नहीं जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ए और सी दोनों आंसर होगा, बाय नेम रिएक्शन है, इससे आसान सवाल और क्या हो सकता था। जनरली ये प्राइमरी एमीन ही बनाता है, बट क्या किसको नहीं बना पाता, प्राइमरी एरोमेटिक को नहीं बना पाता, तो ए एंड सी दोनों होना चाहिए। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, 1 फराडे ऑफ करंट वाज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
placed in series containing Ag plus, Ni2 plus, Cr3 plus, ratio of amount of deposited. बहुत फ्राइडे लॉ का सबसे इजी क्वेश्चन. देखिए मैंने इसका आंसर आपके लिए पेस्ट किया, आई होप सब लोगों ने बना भी लिया होगा. देखिए Ag plus को एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Ag डिपोजिट हो जाएगा, और एक मोल का चार्ज क्या होता है 1 फराडे, तो 1 फराडे विल डिपोजिट 108 ग्राम. तो इसीलिए 2 फराडे किसको डिपोजिट करेगा, 59 ग्राम को. कितने को करेगा 59, तो 1 फराडे कितने को करेगा 29.5, और इसके 3 फराडे करेगा किसको, एक मोल को, और इसीलिए 1 फराडे 1/3 मोल को करेगा, जो कि इतना हो जाएगा, वेट इसका इतना हो जाएगा. तो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दीजिए, आंसर आपका ये आ गया. सबको समझ में आया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, मोलर मास बाई एन फैक्टर. तो एक्चुअली 1 फराड 1 इक्विवेलेंट को प्रोड्यूस करता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट ये है, इसका इक्विवेलेंट वेट ये है, इसका इक्विवेलेंट वेट ये है, है ना, वैलेंसी. तो बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर. अकॉर्डिंग टू VESPR थ्योरी विच आर द बॉन्ड एंगल इन NH3S2O एंड SF6. जरूरत है बताने की, जरूरत है, ये तो आंख बंद करके आंसर कर दिया होगा, है ना. चलिए नहीं है ना, 109 से थोड़ा छोटा होगा, ये उससे और छोटा होगा, और ये तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे 90 हो जाएंगे, ठीक है. और ये ऐसे भी ये ऑप्शन किसी और में मिल नहीं रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है. 14, इन द बिलो मेंशन कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये मुझे लगता है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है. अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है. सबको क्लियर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब अच्छा होगा, जब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होगी. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप इस पर डिपेंड करेगा, तो विड्रॉइंग ग्रुप और खराब कर देगा और डोनेटिंग ग्रुप और अच्छा कर देगा, ठीक है. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, तो सबसे खराब तो 4 नजर आ रहा है, सबसे खराब तो बी और डी में ही कोई आंसर होना चाहिए, बी और डी में. टॉप पे कौन आएगा बस इसको देख लीजिए, तो सबसे क्या होगा, ये अच्छा डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, तो ये उससे पावरफुल है, तो 1, 2, 3, 4. सो राइट आंसर क्या आ रहा है, डी. कोई इन चीजों में कोई इश्यू है क्या, कोई इन चीजों में इश्यू क्या, 3 कैसे पहले आ जाएगा 1 के, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. तो ये तो सर आप ऐसे भी छाड़ सकते थे, 4 सबसे मिनिमम होगा बिकॉज ये खराब करेगा, और 1 कैसे इससे कम हो सकता है, तो ये होगा नहीं, डी होगा. आप आसानी वे में इश्यू निकाल सकते थे. लास्ट क्वेश्चन द ज्योमेट्री, हाँ ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है और नीट में अक्सर आता है. द ज्योमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. होता क्या है, नाइट्रोजन हमें लगता है कि NH3 कैसा होता है, sp3, तो इसे भी हम कुछ ऐसा ही बनाते हैं, SiS3, और ये बनाते हैं SiS3. बट बच्चा यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाता है, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये बैक डोनेशन हो जाता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ही sp2 हो जाता है. तो मॉलिक्यूल इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी प्लेनर और इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी प्लेनर. अच्छा कई बच्चे फंस क्यों सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को रटवाया जाता है कि ज्योमेट्री होगा. अब जैसे कि मैं NH3 की बात करूं, इस केस में आ जाऊं NMEMEME, तो आप यही कहोगे ना कि सर ज्योमेट्री बोला है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, यही करना. नहीं, किसका ज्योमेट्री बोला है जरा देखिए, मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री. हम लोग जनरली साइंस पढ़ना छोड़कर मैथ्स में ज्यादा चले जाते हैं, ठीक है. वो जो ज्योमेट्री कहा जाता है, सिर्फ ज्योमेट्री लिखा जाता है और शेप ऑफ मॉलिक्यूल देखिएगा, लिखेगा फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ HCF6 ऐसा बोलेगा. अगर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का पूछेगा तो लोन पेयर कैसे आ जाएगा, ध्यान रखना. और मेडिकल खास करके आंसर किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, ज्योमेट्री ऑफ NME3 भी आप टेट्राहेड्रल कह सकते हो, बट इसका शेप पिरामिडल होगा, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी कहेगा तो वही होगा मॉलिक्यूल की. ये मैथ है, क्योंकि लोन पेयर कोई स्पेस तो एक्वायर करेगा नहीं, बट इसके कारण इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा ये डिसाइड करने में ये मदद करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में इसको काउंट करते हैं. बट जब मॉलिक्यूल के शेप की बात करेंगे तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ना, सिर्फ ये होगा. तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी मतलब आप पिरामिडल ही कहोगे, ठीक है. तो आई होप ये चीज आप, ये बैक बॉन्डिंग से हो गया और ये पिरामिडल शेप हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा, ये सबको समझ में आया. कई लोग ज्योमेट्री से वहां जा सकते थे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, ठीक है. तो ध्यान दीजिएगा, प्लेनर पिरामिडल और पिरामिडल, तो राइट आंसर इज बी. राइट आंसर क्या आ गया, बी.
चलिए, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों. गलतियां हुई होंगी तो इससे सीखने की कोशिश कीजिएगा. गलती होती इसीलिए कि कुछ नया सीखे. ओके, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है वो वंस अगेन नेक्स्ट स्लॉट में जरूर टेस्ट दे और मंडे को हमारा वर्कशॉप जरूर अटेंड करें. तो सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन. तब तक के लिए बाय. सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, GTSC 2020 बायोलॉजी क्लास 12 नीट स्लॉट 4 का पेपर आज हम डिस्कस करने के लिए आपके सामने आ चुके हैं. आई होप बहुत बढ़िया तैयारी आप लोगों की सबकी चल रही होगी. फर्स्ट क्लास आप एकदम तैयार हो डॉक्टर बनने के लिए. ठीक है, बिल्कुल. और आज हम इसका एक बढ़िया सा डिस्कशन करते हैं. कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेते हैं आपकी. पहला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नंबर वन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. देखते हैं क्या आता है इसका आंसर. इनकरेक्ट बताना है आपको. यू हैव टू टेल द इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ब्रीदिंग वॉल्यूम्स आर एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर. ये तो मुझे ठीक ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फेवर्स ऑक्सीजन ऑक्सीमोग्लोबिन फॉर्मेशन. ये इसमें मुझे थोड़ा डाउट है. लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फेवर करता है. चलो बाद में देख लेते हैं. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स. थ्री मेजर लेयर्स आपको पता है कौन कौन से थ्री मेजर लेयर होते हैं. एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है. एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं. ठीक है, तो ये भी ठीक ही लग रहा है. सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज हायर देन O2 बाय 25 टाइम्स. ये भी मुझे ठीक ही लग रहा है. ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस या तो यहां पे आएगा हाई कंसेंट्रेशन अगर हाइड्रोजन आयन लिखा हुआ है तो फेवर्स डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, या फिर आना चाहिए यहां पे लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फेवर्स ऑक्सीमोग्लोबिन फॉर्मेशन. तो ये दोनों तरफ से आंसर गड़बड़ लग रहा है, तो हमें इनकरेक्ट बताना. तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए और मुझे पक्का पता है कि आपने भी इसका आंसर बी लगाया है और बी ही इसका आंसर है. करेक्ट. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस विद करेक्ट वंस. ओके, हमें करेक्ट वाला बताना है. पिछली बार हमने इनकरेक्ट बोला था, इस बार हमसे करेक्ट पूछा गया है. करेक्ट वाला बताना है. The more the solute ion, the more the solute molecules, नमक या चीनी आपने डाल दिए इन ए सॉल्यूशन, लोअर इज इट्स साई एस. चलिए हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. ठीक है, ओके, देख लेते हैं. मुझे तो ये ठीक ही लग रहा है. आगे चलो आगे देखते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स आने हैं. अभी तक तो ठीक ही लग रहा है. मोस्ट ऑफ द वॉटर, मोस्ट ऑफ द वॉटर फ्लोज इन रूट्स अकर्स वाय द सिम्प्लास्ट. नहीं 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 नहीं, मोस्ट ऑफ द वॉटर जो फ्लो करता है ना वो एपोप्लास्ट के थ्रू फ्लो करता है. ये तो गड़बड़ हो गया. एपोप्लास्टिक पाथवे लेता है ज्यादातर पानी. वो तो जो लास्ट स्टेप होता है उसका, जस्ट बिफोर उसने उसके अंदर घुसना है वास्कुलर बंडल्स में, वहां पर क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं तो जो लास्ट वाला फ्लो होता है उसका वो सिम्प्लास्टिक होता है. तो पहला वाला तो मुझे सही लग रहा था पर दूसरा वाला मुझे गलत लग रहा है. फ्लोएम सैप इज मेनली वॉटर एंड सुक्रोज. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही. फ्लोएम सैप वाकई में सुक्रोज ही होता है मेनली. ठीक है, एलिमेंट्स मोस्ट रेडली मोबिलाइज आर कैल्शियम. अरे बापरे, कैल्शियम कहां से मोबिलाइज हो जाएगा. कैल्शियम तो हाईली मोबिलाइज होता है क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो पार्ट होता है किसी स्ट्रक्चर का, कैल्शियम सेल वॉल का पार्ट है, वो मोबिलाइज नहीं होता. तो ये वाला मुझे थोड़ा गलत लग रहा है. ओपीडी इज इक्वल टू डीपीडी इज इक्वल टू ओपीएन फ्लैसिड सेल. ये वाला मुझे सही लग रहा है. तो अब मुझे क्या क्या सही लग रहा है. फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फिफ्थ सही है. तो मेरा आंसर ए हो जाना चाहिए. ठीक है, और मुझे पक्का पता है कि आप फ्यूचर डॉक्टर्स हो, आपने भी आंसर ए ही लगाया है. यू हैव पुट द करेक्ट ऑप्शन इज ए. और बिल्कुल सही आपने लगाया, करेक्ट ऑप्शन इज ए. दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो गए. चलिए तीसरा आ जाता है, थर्ड आ जाता है. द नंबर ऑफ ATP. ठीक है, देखते हैं भैया क्या ATP. द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मेज प्लांट. अरे बाप रे, सही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया पकड़े हैं. ठीक है, द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, एक मॉलिक्यूल फिक्स करना है इन मेज प्लांट. ठीक है, मेज प्लांट के अंदर. हां जी, ATP. अच्छा, इसका ना एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है. कभी भी आपको अगर याद ना हो तो कम से कम ये तो याद रख ही लेना कि जो ATP होते हैं वो कम से कम 1.5 टाइम्स होता है NADPH के.
क्योंकि अगर आपको लाइट रिएक्शन याद हो तो कौन ज्यादा बनता है, एटीपी ज्यादा बनता है, किसके मुकाबले, एनएडीपीएच के मुकाबले ज्यादा। अगर एनएडीपीएच दो बन रहे हैं तो एटीपी तीन बनते हैं, ठीक है, तो करीब करीब 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के दोनों में दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि फिर से दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक। तीसरे ऑप्शन में प्रॉब्लम यह है कि ठीक है एटीपी ज्यादा है एनएडीपीएच से, लेकिन करीब करीब डेढ़ गुना तो ज्यादा होना ही चाहिए। आंसर फोर्थ है, क्यों इस तरह से है ये कभी फिर मिलूंगा तो आपको बताऊंगा, वो एक बहुत ही लंबी गाथा है, उसमें पूरा का पूरा हमें ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर डी आना चाहिए और देखते हैं, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच कैटेगरी ऑफ प्लांट शोज स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर विच असिस्ट देम इन रिप्रोडक्शन। याद रखना, फ्लावर जो होता है, फ्लावर इज ए यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ए यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का एक यूनिट होता है, ठीक है, इट इज ए यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। एक ही ऐसा ग्रुप होता है प्लांट्स का जिसमें फ्रूट एंड फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर्स, यहां पे सिर्फ फ्लावर पूछा गया, मैं फ्रूट भी ऐड कर देता हूं, फ्रूट प्लस फ्लावर्स, ये एक ही ग्रुप होता है बस प्लांट्स का जिसके अंदर फ्रूट और फ्लावर्स आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल इजी है, एंजियोस्पर्म्स। तभी तो आपने चैप्टर 12th का जो पहला चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की तो फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। फ्रूटिंग प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसकी, एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है, बाकी सब में फ्लावर नहीं बनता, फ्लावर इज द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका फोर्थ आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही, और आपने सबने सही मार्क किया हुआ है मुझे पता है, क्योंकि आप इस देश के फ्यूचर डॉक्टर्स हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वेरी गुड क्वेश्चन। ये वाली लाइन भाई लोगों एनसीईआरटी में कहां लिखी हुई है, अगर आप में से कोई ये मुझे बता दे कि ये लाइन एनसीईआरटी में किस जगह पर लिखी हुई है तो मैं समझ जाऊं कि आपने एनसीईआरटी को बढ़िया तरह से पढ़ डाला है, ठीक है भाई लोगो। ये लाइन एनसीईआरटी में मोनेरा के अंदर लिखी हुई है, जब वो बैक्टीरिया की बात करता है वहां पे लिखी हुई है, जब वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करता है वहां पर लिखी हुई है, नीचे की तरफ लिखी हुई है, जहां पे वो ये कहता है कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वहां पर वो उनकी अच्छी बातें भी बताता है और वहां पर वो उनकी खराब बातें भी बताता है। वहां पर उसने लिखा है कि जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर बीमारी करते हैं, दो बीमारी उसने सी से दी है और दो बीमारी उसने टी से दी है, कॉलेरा और सिट्रस कैंकर उसने सी से दी है, टाइफॉइड और टिटनस उसने टी से दी है। तो कॉलेरा, सिट्रस कैंकर, टाइफॉइड एंड टिटनस, तो इसमें बेस्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉलेरा एंड टिटनस। और वैसे भी देखो स्मॉल पॉक्स, यहां पर स्मॉल पॉक्स आ गया, स्मॉल पॉक्स तो वायरल है, मम्स आ गया, मम्स भी वायरल है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल है। अगर आपको ये याद भी ना हो, सीधा सीधा आपको बैक्टीरियल डिसीज हो तो वैसे कर लो, एनसीईआरटी की लाइनें रिटी हुई हैं तो आपको और जल्दी हो जाएगा, ठीक। नंबर सिक्स, सो आंसर इज ए, नंबर सिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन स्पिंडल शेप पिरामिड ऑफ नंबर। ये स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है भैया, स्पिंडल शेप होता है जो दोनों तरफ से तो पतला हो जाता है और बीच में से मोटा हो जाता है, ये स्पिंडल शेप हो गया, दिस इज स्पिंडल शेप। नंबर, नंबर बोल रहा है वो, नंबर और कुछ नहीं, नंबर में मतलब जो बेस है उसका नंबर कम होना चाहिए, उसके बाद मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर कम होना चाहिए, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए और सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नंबर फिर से कम हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। स्पिंडल शेप क्या होता है आप देखो, ठीक है, मान लो आपके पास ग्रास है और उस पर मान लो 10 ग्रास है, 10 ग्रास को तो एक ही रैबिट खाएगा, ठीक है, तो बेस जो है वो ब्रॉड हो गया, 10 ग्रास है उसे एक ही ग्रास हॉपर खाएगा, बेस ब्रॉड हो गया, ठीक है। ओक का एक ही पेड़ है, मान लो ओक का एक ही पेड़ है जो प्रोड्यूसर है, ओक का एक ही पेड़ है जो प्रोड्यूसर है, उस पे इंसेक्ट्स आपको 10 मिल सकते हैं, 10 इंसेक्ट्स हैं, एफिड्स आपको पता है ना इंसेक्ट्स होते हैं, ये मान लो 10 हो गए तो ये ब्रॉड हो गया, और उन 10 इंसेक्ट्स को एक लिजर्ड आ गई खाने के लिए, ठीक है, एक लिजर्ड आ गई, तो देखो स्पिंडल शेप हो गया ना,
तो सेकंड आंसर बनेगा आपका इसमें, देखते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, ठीक है। और मुझे पता है आपने सेकंड ही लगाया, आपके 6 के 6 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। चलिए ओफ, मॉलिकुलर प्रोब्स के बारे में बात आ गई। मॉलिकुलर प्रोब्स, प्रोब होता है ढूंढना, टू फाइंड आउट। आर यू फॉर मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ड्यूकिम्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आप डिफेक्टिव जीन पता कर सकते हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे सेक्स डिसीज, तीनों जेनेटिक है, तो इसमें तीनों में ही आप जो है प्रोब्स यूज कर सकते हो। करेक्ट आंसर विल बी डी। ये ड्यूकिम्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी याद रखना, है ना, मसल्स धीरे धीरे डैमेज जाती हैं, मसल डैमेज होती ग्रेजुअली। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको पता ही है, मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, है ना, सिस्ट इन मल्टीपल ऑर्गन्स। टे सेक्स डिसीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जेनेटिक, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे आ जाते हैं, यस डी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सेल की बात आ गई भैया, सेल के बिना पेपर नहीं बनेगा, सेल बहुत जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, देख लेते हैं पूछना क्या चाह रहा है, पहले देख तो लें, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलो ठीक है। अब तीन इसने स्टेटमेंट दे दिए, अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम विच किंगडम इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव मेंशन्ड। ओके, विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था वो 5 किंगडम था, विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था दैट वॉज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इसमें देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये मोनेरा नहीं हो सकता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो मोनेरा नहीं हो सकता, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है, ठीक है, प्रोटिस्टा नहीं हो सकता, कुछ ज्यादातर मेंबर्स एक्चुअली, ठीक है, जैसे इट कैन नॉट बी डायटम्स, डायटम्स नहीं हो सकते ये, डायनोफ्लेजिलेट्स नहीं हो सकते ये, ठीक है, कुछ जो उसमें प्रोटोजोआस आते हैं उसमें हो सकती है, ठीक है, फंजाई भी नहीं हो सकता फिर ये, क्योंकि फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, ज्यादातर फंजाई के अंदर सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की होती है, ठीक है। और नेचुरली द आंसर विल बी एनिमेलिया, एनिमेलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल भी होती है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आपको फंजाई में भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें फिर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल जो ऑप्शन है वो आपको प्रॉब्लम करेगा, तो एर्थ का ऑप्शन आपको डी आ जाना चाहिए, बिल्कुल से कह रहे हो, एर्थ का ऑप्शन डी आ गया, मुझे पता है आप सबने ठीक कर दिया। अमाइलोपेक्टिन डिफर्स इन ब्रांचिंग फ्रॉम अमाइलोज इन हैविंग, ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का चक्कर क्या होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं दे आर स्टार्च, ये कॉम्पोनेंट्स होते हैं स्टार्च के, ये स्टार्च के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दीज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो अमाइलोपेक्टिन डिफर्स इन ब्रांचिंग फ्रॉम अमाइलोज इन हैविंग, देखो अमाइलोज जो होता है, अमाइलोज, ठीक है, वो स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, दिस इज स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज, और जो स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज की वो आपस में जॉइन हो जाती है बाय अल्फा 1,4 लिंकेज, जो स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज की वो आपस में जॉइन हो जाती है बाय अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है, अमाइलोज स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है, तो ये तो अमाइलोज हो गया, लेकिन अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो इसमें फर्क क्या है अमाइलोज से, अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें इसमें भी ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, ठीक है, ग्लूकोज की चेन है ये भी, और इसमें भी जो स्ट्रेट चेन है वहां पे अल्फा 1,4 लिंकेज ही होती है, ये अमाइलोज हो गया, ऊपर हम बात कर रहे हैं अमाइलोपेक्टिन की, ठीक है, इसमें भी अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, लेकिन याद रखना रेगुलर इंटरवल्स पे अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग आती है और पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग पे अल्फा 1,6 होती है, ये ब्रांच आ गई और पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग पे अल्फा 1,6 होती है, यहां पर आएगी अल्फा 1,6 लिंकेज, दिस इज अल्फा 1,6 लिंकेज। तो अमाइलोपेक्टिन डिफर्स इन ब्रांचिंग फ्रॉम अमाइलोज इन हैविंग, इट इज अल्फा 1,6 लिंकेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 जो होती है वो तो स्ट्रेट चेन में होती है और 1,3 और 1,5 तो कुछ होती नहीं है,
अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन में. तो अमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है. बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. द एक्सेस टिश्यू फ्लूइड ड्रेन्स इन टू दी, अच्छा जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड की बात कर रहा है तो नेचुरली ये तो लिम्फेटिक सिस्टम में ही जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, मेजर वेन्स में नहीं जाएगा. लेक्टील्स लिम्फेटिक सिस्टम आ सकता है, बी और डी दोनों आ सकते हैं इसके आंसर. देखते हैं आगे, विल्ट फॉर्म्स लिम्फ. लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड दैट कंटेन्स, WBC तो होते हैं बट इसमें RBC नहीं होते, ठीक है, प्लाज्मा भी होता है इसके अंदर बट RBC एबसेंट होते हैं. अब हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे थे पंगा, वो बी और डी आ रहा था. अब इसमें आंसर जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है फिल इन द ब्लैंक, उसमें RBC आ रहा है जबकि इसमें WBC आ रहा है, WBC तो होते हैं. इसने पूछा एंड इट लैक्स, नहीं होते इसके अंदर RBC. तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर आएगा और आपने भी टिक किया हुआ है, दैट इज बी. वेरी गुड, सारे सही जा रहे हैं आपके, आप फ्यूचर डॉक्टर हो इस देश के. आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर. न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है, बिल्कुल सही बात है, 2N होता है न्यूसेलस, तो न्यूट्रिशन देता है आपको पता ही है. एंडोस्पर्म, ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है, 3N होता है. हाँ याद रखना जो ये होता है गेमिटो, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सैम्प्लॉयड होता है, लेकिन जनरली जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन बोलते हैं और अगर हम अनटिल एंड अनलेस हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो हम उसे वो एंजियोस्पर्म ही लेकर के चलेंगे. तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक है. अच्छा ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो तो फ्यूजन से बना है भाई, जायगोट के बाद ही तो बना तो एम्ब्रियो तो डिप्लॉयड ही होगा, फ्यूजन से बना है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट उससे बना है तो डिप्लॉयड ही होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एम्ब्रियो सेक पॉलीप्लॉयड नहीं होता, ठीक है ना. तो ये आपका आंसर गलत हो गया, देर इज नो पॉलीप्लॉयड इन एम्ब्रियो सेक, ठीक है. तो आपका मिसमैच, आपसे मिसमैच पूछा गया तो मिसमैच क्या आपका डी इज द मिसमैच. 11 के 11 क्वेश्चन सही हो चुके हैं आपके, मुझे पता है. इन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये होता है क्या भैया हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1, ये होता है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1. ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है. अब ये तो, अब इसमें पी स्क्वायर आपका हो गया होमोजाइगस, मान लो डोमिनेंट हो गया मान लो ये क्यू स्क्वायर, होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, 2PQ हेट्रोजाइगस होता है, ये हेट्रोजाइगस होता है. उसने क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल 2PQ, आंसर इसका बी आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो. एन इंडिविजुअल इज डायग्नोस्ड विद द फॉलोइंग सिम्टम्स, देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स आ गए. कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, ठीक है, बाय बर्थ है कॉन्जेनाइटल, एनीथिंग प्रेजेंट बाय बर्थ. बिग एंड रिंकल्ड टंग, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है. और ये इसका सीधा सीधा है, मतलब ये तो सीधा सीधा ना एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डाउन सिंड्रोम इसका आंसर बनेगा. फिनाइल कीटोन यूरिया में भी मेंटल ट्रेडिशन आ सकता है, लेकिन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज और बिग एंड रिंकल ट्रंक नहीं आ सकती. सिस्टिक फाइब्रोसिस में तो मेंटल ट्रेडिशन आते ही नहीं है, और ना ही क्लिनफेल्टर्स के अंदर ऐसा कुछ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज या बिग एंड रिंकल ट्रंक. तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो सी ही आएगा, इसमें एक सेकेंड लगना चाहिए आपको, एनसीईआरटी है भाई, 13th का सी है. चलो इसमें देखते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है. द गिवन डायग्राम बिलो प्रेजेंट्स द टीएस ऑफ द गट एलिमेंट्री कैनाल ABCND, ठीक है, ABCND. ए आपको पता है सिरोसा है, बी आपको पता है मस्कुलैरिस है, बिल्कुल सही जा रहे हो, सीक्वेंस में चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सी सब म्यूकोसा और डी म्यूकोसा है, ए आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा.
बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए, बिल्कुल सही है। हैप्लॉयड इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस गैमीट्स बाय, अरे भैया जो हैप्लॉयड है खुद ही एन है, वो गैमीट कैसे प्रोड्यूस करेगा, अगर उसमें आपने रिडक्शन कर दिया तो एन बाय टू थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, तो पहला तो हो नहीं सकता भाई, एन बाय टू थोड़ी हो जाएगा, मियोसिस भी नहीं हो सकता, तो आंसर इसका इक्वेशनल डिवीजन आएगा, एन का एन ही ले आएगा वो, तो दैट इज बी आंसर आना चाहिए आपको, इक्वेशनल डिवीजन, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह की हम बातें कर रहे थे कि आप अगर किसी भी वजह से, ठीक है, यस ओके, ठीक है, तो हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स, तो वील नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोप्रेप, माय नेम इज अंकित शर्मा एंड आई एम योर फ्रेंड कम मेंटर फॉर द मेंटल एबिलिटी टेस्ट द MAT। आई होप योर GTS एग्जाम वेंट रियली वेल, एंड नाउ लेट अस डायरेक्टली बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी पेन का यूज किया होगा। कहा जा रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 30, 10 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 30 हैं। इफ 6 मार्क्स इज एडेड विथ ईच स्टूडेंट्स मार्क्स, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स में 6 एड कर दो, तो एवरेज मार्क्स भी तो 6 ही बढ़ जाएगा। ऑलराइट, एंड हेंस द न्यू एवरेज इज 6। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स वॉज 30, 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 30 है, और अब सब स्टूडेंट्स के पास उनके जितने भी मार्क्स हैं इसमें 6 ऐड कर दो, तो एवरेज मार्क्स भी 6 इंक्रीज कर जाएगा। सभी स्टूडेंट्स से 6 डिक्रीज कर दो, तो सभी का मार्क्स 6 डिक्रीज भी कर जाएगा। ऑलराइट, अगर आप कोई भी चीज यूनिफॉर्मली ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो सब में, तो वही असर आपको एवरेज पे भी देखने को मिलेगा। फाइन एवरीबॉडी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइज, द क्वेश्चन सेज इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो गाइज LCM ऑफ 23 एंड 24 क्या होगा? द LCM ऑफ 23 एंड 24 इज 23 मल्टीप्लाइड बाई 24, इट्स 5, 5, 2। नाउ दिस इज गिवन एज ए, दिस इज गिवन एज ए, ठीक है, कहा गया है इफ द LCM ऑफ 23 एंड 24 इज ए, एंड द HCF, अब HCF क्या होगा 23 एंड 24 का? गाइस एट दिस लेवल व्हेन यू आर इन क्लास 12 आपको HCF बिल्कुल पता होना चाहिए, और LCM कैसे भी निकालना है ये भी पता होना चाहिए। द HCF ऑफ देम इज 1 विच इज इक्वल्स टू बी, और आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो आपको बस ए प्लस बी करना है, सो विच इज 552 प्लस 1 विच इज गिविंग यू 5, 5, 3, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, और मुझे नहीं लगता कि यहां पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। फाइन, नाउ गाइज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर सेट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? गाइज वेरी इजी क्वेश्चन, LOK, आपको बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है, LOK, देन उसके बाद है P Q P, उसके बाद है V S V, देन D U C, एंड देन इसके बाद और भी नंबर्स हैं। अब गाइज आपको यहां पे ध्यान से देखना है कि पैटर्न क्या चल रहा है, तो गाइज आप यहां पे इजीली देख सकते हो L+4 MNOP, P+6 QRS TUV, V+8 क्या हो जाएगा WXYZ ABCD, एंड अब 10 ऐड कर दोगे, सो व्हेन यू विल ऐड 10 टू द प्लेस वैल्यू ऑफ D, की प्लेस वैल्यू 4 होती है, जब उसमें आप 10 ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग 14, एंड 14 मीन्स n, एंड गाइस n केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, एंड हेंस यू कैन सेफली मार्क दैट ऑप्शन। तो गाइस ये होता है स्मार्ट वर्क। अब अगर एक से अधिक ऑप्शंस होते जिसमें n होता तो हम बाकी भी चेक करते, O+2 इज Q, ऑलराइट, देन गाइस O+2 PQ, Q+2 RS, TU, देन U के बाद VW, तो यहाँ W आ जाएगा, एंड सिमिलरली वही काम आप यहाँ पे भी करते तो आपको यहाँ पे भी पता चल जाता कि क्या पैटर्न चल रहा है और क्या लेटर आएगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो आंसर टू द क्वेश्चन इज अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर ए। सो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट आंसर, जैसे हमें यहाँ हिंट मिल गया कि स्टार्टिंग में एन होगा और एन कहीं पर नहीं था, वी कैन सेफली मार्क ऑप्शन नंबर ए एंड मूव अहेड। नाउ
दिस इज द क्वेश्चन वेयर एप्टीट्यूड रियली कम्स इनटू पिक्चर गाइस. आप लोग ऐसे क्वेश्चन इक्वेशंस बनाते हो, यू मेक इक्वेशंस, बट इसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है. मैं ये क्वेश्चन आपको वर्बली करना भी सिखा दूंगा, ध्यान से देखना. क्वेश्चन ने क्या कहा गाइस, आपके सामने चार ऑप्शन है. ऑप्शन ए है 46, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 50. ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. अच्छा, अब कैसे इसको हम करें इजिली विदाउट पेन एंड पेपर, जल्दी से जल्दी कैसे करें गाइज. यहां पर आपको एक कंडीशन दी गई थी, कहा गया इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ मयंक्स एज द टू डिजिट्स ऑफ हिज नंबर्स रिवर्स देयर पोजिशन. फाइन. तो गाइज एक कंडीशन आपके सामने दी गई है कि मयंक का जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से अगर आप 18 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो उसकी जो डिजिट्स हैं एज की वो रिवर्स कर जाएंगी. ये पहली कंडीशन है. ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन भी दी गई है. तो पहले हम एक एक करके चेक करेंगे. पहले जरा हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं. ऑलराइट. तो गाइज इसमें से 18 सब्सट्रैक्ट करो. जब आप इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे 18, व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग 28. हम क्या कर रहे हैं, 18 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो डिजिट्स रिवर्स नहीं हुई, तो ये आंसर नहीं हो सकता. ऑलराइट. अब इसमें से भी आप 18 सब्सट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा इस, यहां से जब आप 18 सब्सट्रैक्ट करोगे यू विल बी गेटिंग 38. डिजिट्स रिवर्स नहीं हुई, गॉन गाइज. यहां से भी आप 18 सब्सट्रैक्ट करो यू विल बी गेटिंग 32. एंड गाइज डिजिट्स रिवर्स नहीं हुई, बट जब आप इसमें से 18 सब्सट्रैक्ट करोगे यू विल बी गेटिंग 24 एंड डिजिट्स रिवर्स हो गए. 42 का डिजिट्स रिवर्स 24 एंड हेंस डायरेक्टली यहीं पर आप आंसर मार्क कर सकते हो. ऑप्शन नंबर सी 42 इज द राइट आंसर. क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर है? तो गाइज इसको ध्यान से देखिए, मैं 30 सेकंड का पॉज ले लेता हूं, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए. फाइन. अब आपके मन में एक सवाल ये हो सकता है कि सर अगर ऐसे दो ऑप्शंस होते जिनमें डिजिट्स रिवर्स करने पर, जिसमें 18 सब्सट्रैक्ट करने पर डिजिट्स रिवर्स हो जा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका है तो आप सेकंड कंडीशन भी चेक करोगे. ऑल्सो हिज एज इज 6 लेस देन 8 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज. गाइज सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6 इंटू 8 = 48 एंड 48 - 42 करोगे तो भी 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो इवन द सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड विच सेज ऑल्सो हिज एज इज 6 लेस देन 8 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज. ऑल राइट. तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द प्रेजेंट एज इज 4 + 2 = 6 इंटू 8 इज 48 एंड दैट माइनस द प्रेजेंट एज 42 विल बी गिविंग यू 6. तो इस तरह से विदाउट पेन एंड पेपर हम इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. एंड दिस इज वेयर एप्टीट्यूड कम्स इनटू पिक्चर. हियर स्टेप्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर इज इंपॉर्टेंट. फाइन एवरीवन. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इट सेज दैट अ नंबर, लेट अस अज्यूम द नंबर एज एक्स, व्हेन डिक्रीज्ड बाय 30%. एक नंबर को जब आप 30% डिक्रीज कर देते हो तो आपको 84 मिलता है, विच इंप्लाइज दैट 70/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 84. देयरफॉर एक्स वैल्यू विल बी 8400 इंटू 70. और जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 120 एज द रिक्वायर्ड आंसर. फाइन एवरीवन. सो द क्वेश्चंस वर रियली वेरी इजी एंड यू कुड हैव इजीली स्कोर्ड वेल इन दिस सेक्शन. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन एंड डू अटेंड द वर्कशॉप विच विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन मंडे. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू, सी यू ओवर देयर.